इसके अलावा ये भी हमारे पास एक तांबे की प्लेट भी है 10 इंच, इसका भी टेस्ट कर लेते हैं इसके ऊपर। पाकिस्तान डिटेक्टिव टेक्नोलॉजीज की जानिब से अस्सलामुअलैकुम। आज के दिन जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है फिशर गोल्डबर्ग प्रो। फिशर जो डिटेक्टर है, मैं सबसे पहले तो फिशर कंपनी के बारे में आपको बताता चलूं, वो अमेरिकन ब्रांड है और ये जो प्रोडक्ट है ये अमेरिका की है और ये 5 साल की वारंटी के साथ आती है। फिशर की जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो 5 साल की वारंटी के साथ आती हैं। ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि ये जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं ये सब क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। इनके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, इनका एयर टेस्ट, इंशाल्लाह इस वीडियो में तमाम चीज़ें हम कवर करेंगे। और उसके अलावा इस वीडियो में ये भी कवर करेंगे पाकिस्तान में इसकी प्राइस क्या है। सबसे पहले हम फिशर गोल्डबर्ग प्रो के बारे में जानते हैं ये किस मकसद के लिए है। फिशर गोल्डबर्ग के अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं ये मैं सबसे पहला फंक्शन बताता हूँ। इसके अंदर आयरन डिस्क्रिमिनेशन है, ये लोहा कट करने की पावर रखती है, जो कि मतलब आप कह सकते हैं ट्रैश एरिया जहाँ पे कचरा वचरा हो उसमें ये लोहा कट करने की पावर रखती है। दूसरी बात ये बताता चलूँ, ये वाटरप्रूफ कॉयल है। और ये इसका साइज़ क्या है ये अगर आप चेक कर सकें, ये 11 इंच का साइज़ है इसका, ठीक है। और ये वाली जो कॉयल है आप ये कह सकते हैं ये फिशर की मोस्टली ज़्यादा प्रोडक्ट्स के साथ होती है, लेकिन इसके साथ बकायदा गोल्डबर्ग की ब्रांडिंग भी हुई है कॉयल के ऊपर। और इसके अलावा इस मशीन के अंदर आपको सेंसिटिविटी का ऑप्शन मिलता है कि आपको कितनी गहराई चाहिए, ज़्यादा डेप्थ चाहिए, कम डेप्थ चाहिए, जिसके हिसाब से आप इसके अपनी सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं। ये डिटेक्टर कॉइन्स, रेलिक्स और गोल्ड, मोस्टली अगर बहुत ज़्यादा छोटा गोल्ड नगेट हो तो उसके ऊपर तो अभी हम टेस्ट करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल से उसके ऊपर नहीं करेगा, लेकिन अगर छोटा नॉर्मल जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है गोल्ड नगेट का अगर उसके ऊपर करेंगे तो ये डिटेक्ट करेगा। इसके अलावा ये जो डिटेक्टर है ये थोड़ा हाई फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर है बाकी डिटेक्टर की नस्बत, यानी कि जो छोटी चीज़ें हैं उसके ऊपर ज़्यादा पकड़ेगा और जो, लेकिन इसकी डेप्थ जो है वो कम होने वाली है बाकी डिटेक्टर की नस्बत, लेकिन ये जो छोटी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा सेंसिटिव होगा। और ये डिटेक्टर इस्तेमाल करने में नहायत ही आसान है। इसके अलावा इसके अंदर एक और फंक्शन है ये पिन पॉइंटर, कि आपको एरिया एग्जैक्ट आपको ट्रैक करके बता देगा, इस एरिया से आप डिक करें यहाँ से आपको टारगेट मिलेगा। आपको एरिया तो पता लग जाता है लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता लगती कि आपने खुदाई किस जगह से करनी है, तो पिन पॉइंटर उसमें आपकी मदद करेगा। मजीद इसके अंदर एक और फंक्शन है थ्रेशहोल्ड का। थ्रेशहोल्ड का मकसद क्या होता है, थ्रेशहोल्ड की अहमियत क्या है। थ्रेशहोल्ड किसी भी डिटेक्टर के अंदर बहुत एक अहमियत का किरदार अदा करता है। क्या मतलब होता है कि इसके पीछे बैकग्राउंड, थ्रेशहोल्ड का मतलब होता है कि बैकग्राउंड के पीछे एक आवाज़ हमेशा पीछे नॉन स्टॉप एक आवाज़ हमेशा चल रही होती है। तो थ्रेशहोल्ड जब आप उसको आगे डिटेक्ट करते हैं टारगेट को, तो जब सिग्नल स्ट्रॉन्ग होता है वो तो आपको थ्रेशहोल्ड बंद भी कर दें तब भी आपको आवाज़ आएगी, लेकिन जब सिग्नल कमज़ोर हो जाता है जहाँ पर सिग्नल के वो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट तो कर रहा है लेकिन वो आपको नहीं बता पा रहा, तो थ्रेशहोल्ड क्या करता है कि जो आपको पीछे आवाज़ जो हमेशा एक आवाज़ लगातार मुसलसल चल रही होती है, जब उसमें उतराव चढ़ाव आता है तो आपको फ़र्क का पता चल जाता है कि अच्छा ये इसने कोई चीज़ डिटेक्ट कर ली है। तो थ्रेशहोल्ड की मदद से आपको वीक सिग्नल भी उसकी पहचान हो जाती है। तो ये थ्रेशहोल्ड का फंक्शन है जो कि गोल्ड नगर डिवाइसेस में होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मज़ीद में एक और बात ऐड करता चलूँ, इसके अंदर ग्राउंड बैलेंस मैनुअल भी है, यानी कि ऑटोमेटिक भी है मैनुअल भी है। मैनुअल भी आप इसको अपनी ज़मीन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात इसकी बैटरी की है, इसके अंदर 9 वोल्ट की बैटरी लगती है जो कि आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप लगाएं इस्तेमाल करें, जब ख़त्म हो जाए फेंक के दोबारा डालें दोबारा इस्तेमाल करें। इसके अलावा गोल्डबर्ग के साथ क्या क्या सामान आता है वो मैं आपको बताता चलूँ। ये कॉयल है 11 इंच की, लोअर शॉफ्ट, अपर शॉफ्ट, कंट्रोल यूनिट, ये तमाम चीज़ें आती हैं। अमेरिका की डिवाइसेस के साथ, इसके साथ आपको बैटरी भी मिलेगी। अलबत्त इसके साथ कोई हेडफोन एक्सेसरीज वगैरह आती ही नहीं है। अमेरिका की मेरे ख्याल से फिशर टेक्नोलॉजीज की जितने भी मॉडल्स हैं उनमें से किसी के साथ भी हेडफोन नहीं आता, शायद एक आध कोई मॉडल हो, लेकिन यह कि मुझे अभी कोई याद नहीं पड़ता कि किसी मॉडल के साथ उसका हेडफोन वगैरह या एक्सेसरीज आती है। अब हम चलते हैं इसके एयर टेस्ट की तरफ। अब हमने कैमरा भी चेंज कर लिया और लोकेशन भी चेंज कर लिया ताकि आप डिटेक्टर को करीब से गोल्ड नगेट्स आप देख सकें, क्योंकि वो कैमरा ये गोल्ड नगेट्स कैप्चर नहीं कर सकता था। मैं अगर आप आगे ये अगर मेरा कैमरा दिखा सके, ये एक छोटा ज़र्रा है सोने का, ठीक है, ये 1 ग्राम है, ये 2 ग्राम है, ये 3 ग्राम है, ये 4 ग्राम है, ये एक चांदी का है, ये भी चांदी की अंगूठी है, और ये सोने का कंगन है, ठीक है। ये आइटम्स हैं जो कि अभी हम इसके ऊपर टेस्ट करेंगे। हम चलते हैं सबसे छोटे ज़र्रे की तरफ। सबसे पहले आप ये देख लेंगे ये मेरे कोई हाथ में कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, कोई हाथ की आवाज़ कोई नहीं है, ठीक है। अब मैं इसी तरह इसमें नगेट पे ले रहा हूँ, ठीक है, कि ये इतने छोटे से ज़र्रे को भी डिटेक्ट कर रहा है। जो नॉर्मल डिटेक्टर होता है, ये जो अभी आपको आवाज़ आ रही है ये कैमरा
कॉइल के सामने आता है, ये कैमरा कॉइल के सामने आता है इसलिए ये आपको आपको आवाज़ आती है। अलबत्त ये अगर आप ये देख सकें, मैं दोबारा एक टेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सा ज़रा है, ठीक है, ये भी आप देखें, ठीक है, कि ये गोल्ड नगेट भी आपको डिटेक्ट कर रहा है। अब 1 ग्राम गोल्ड के ऊपर हम टेस्ट करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, ठीक है। ये 2 ग्राम है, ये 3 ग्राम है, ये 4 ग्राम है, ये चांदी का है, ये चांदी की अंगूठी है, ये सोने का कंगन है, इस कंगन के लिए मैं आपको दोबारा स्केल भी लगा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये मैंने स्केल लगा दिया ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। ये तकरीबन 20 इंच तक सिग्नल दे रहा है। इसके अलावा ये भी हमारे पास एक तांबे की प्लेट भी है 10 इंच, इसका भी टेस्ट कर लेते हैं इसके ऊपर। तकरीबन 28-30 इंच तक ये कर रहा है, या 26 इंच तक कर रहा है, या तो आप कह सकते हो 2.5 फुट तक। आपने इस डिटेक्टर का कंप्लीट टेस्ट देखा है कि हमने गोल्ड नगेट का भी टेस्ट किया, छोटे जर्रे का भी टेस्ट किया है, चांदी का भी किया है, कंगन का भी किया है, तमाम चीज़ों का टेस्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आप ये खुद चेक करना चाहते हैं तो हमारा हेड ऑफिस इस्लामाबाद में और एक ब्रांच हमारी कराची में भी है, आप आकर विजिट करके खुद इसको फिजिकली तौर के ऊपर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी लोकेशन से हैं कि जो आपको इस्लामाबाद भी करीब नहीं पड़ता, कराची भी करीब नहीं पड़ता, तो हम आपको ये भी कोई भी डिवाइस अगर जो भी आपको चाहिए तो आपको COD के ऊपर, कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर आपके घर तक पहुंचा भी सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।